हरी इज ए कोज ऑफ वरी, जो ज़्यादातर चिंता में घिरे रहते हैं, स्ट्रेस में घिरे रहते हैं, उनके लिए आज का वीडियो स्पेशल है। वो इसलिए चिंता में हैं, तनाव में हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी करते हैं। हरी और वरी का सीधा संबंध है। जो इंसान जितनी ज़्यादा जल्दबाजी करता है, वो उतना ही ज़्यादा चिंता और तनाव में घिरा रहता है। आपने उन लोगों को वॉच किया होगा जो जल्दबाजी में रहते हैं, कहीं पर पहुंचने की जल्दबाजी, काम करने की जल्दबाजी, बोलने की जल्दबाजी, करने की जल्दबाजी, वो चिंता में घिरे रहते हैं, स्ट्रेस में घिरे रहते हैं, परेशान रहते हैं। अगर खुशी से रहना चाहते हो तो जल्दबाजी शब्द को हटा देना होगा। उन कामों को आप अवॉइड कह दीजिए जिन कामों में जल्दबाजी की आवश्यकता हो। अब जैसे मुझे कोई कहे कि 5 मिनट में तुम 10 किलोमीटर पहुँच जा, तो मैं कैसे पहुँचूँगा, जल्दबाजी है ना। तो उन कामों को कह दें कि मैं 5 मिनट में नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं जितना समय लगेगा तो उतना ही लगेगा। अगर मैं कहूँ कि मैं बस अभी आया, अभी देख तू अभी आ गया, तो मैं गाड़ी को तेज चलाऊँगा, जो मेरे पास व्हीकल है उसकी ओवर स्पीड करूँगा, तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी, मन में और कुछ चलेगा ही नहीं। जल्दबाजी में ऐसे विचार रहेंगे कि मन फुल ऑफ स्ट्रेस रहेगा। तो अगर जिंदगी में जल्दबाजी शब्द हट गया तो समझिए चिंता और स्ट्रेस भी हट गया। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है अगर आप जल्दबाजी शब्द को डिक्शनरी से ही हटा दें। अगर ये जल्दबाजी वाली बात आपके खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो जल्दबाजी को आपके जीवन से हटाना हमारी जिम्मेवारी है। आप राजेंद्र जोधपुरिया वेबसाइट पर रिटर्न में टिप्स पढ़ते हैं और राजेंद्र जोधपुरिया फेसबुक पेज को भी लाइक करते हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।